एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज फिर से बाहर का ही व्यू दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे फॉग हो रही है, सुबह वो बहुत ज़्यादा थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। इतनी ज़्यादा फॉग हो रही है यहाँ पे, और ये बस यहाँ पे अभी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। मैं तो अभी गेट ही खोला है मैंने बाहर का, आई हूँ अभी, बच्चों को छोड़ के आई थी। बस मैंने कहा, सोचा चलो आप लोगों को आज यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। देखो कितनी जोर की हो रही है, बेचारा डॉगी भी देगा, ठंड में इधर से उधर भाग रहा है, क्या करे, ठंडी इतनी हो रही है और ये पौधे भी ऐसे हो रहे हैं ठंड की वजह से। देखो इनमें पानी भी डालूंगी थोड़ा सा, क्या करूँ, पता नहीं कैसे हो रहे हैं, पीले पीले से हो गए हैं, ठंड से हो रहे हैं ये पौधे सारे ऐसे, है ना। तो बस, और देखो कितना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, और ये राजस्थान है, राजस्थान में भी इतनी ज़्यादा फॉग पड़ रही है वो पूछो मत। तो चलिए अंदर चलते हैं, बाहर खड़े होकर क्या करें, मैं तो बस वैसे ही आई थी आप लोग दिखाने के लिए। तो चलिए बाहर चलते हैं, बस पर्दे वगैरह लगा देती हूँ यहाँ की, जैसे कि ठंड ना आए इधर। गेट लगा दिया, पर्दे लगा देती हूँ, तो चलिए अंदर चलते। बस अभी मेरे बिस्तर वगैरह सारे रखे हैं, मैं अभी बोला ना मैंने, मैं अभी बच्चे ही गए हैं, तो चलिए मैं अभी इनकी उठा के अंदर रख देती हूँ, और किचन भी क्लीन कर देती हूँ, अभी किचन भी पड़ी है, सारा काम ही पड़ा है। तो चलिए काम करते हैं, फिर आपसे ले मिलते हैं। तो एवरीवन, मैं ना यहाँ पे तो मैं ये मेथी वगैरह साफ कर लाई थी, देखो मटर साफ कर लाई थी, मेथी साफ कर लाई हूँ, धनिया और ये गाजर है निकाल रखे है मैंने, और ये गाजर है, मैं इनको कसूंगी, मैंने धो के और छील के रख लिया है इसको, और धो के अच्छे से पानी निकल गया है इसको, और मैं इनको ना छीलू वो कसूंगी। आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ आप सभी के लिए सर्दियों में, तो मैं बस स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए। ये गाजर मैंने बनाई 1.5 किलो गाजर होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी निकाल ली है ना सब्जी के लिए, इसलिए बता रही हूँ मैं 1.5 किलो गाजर हो गया। और ये मैं घिया कस है, और ये मोटे वाले इससे, हाँ मोटे वाले इससे कसूंगी, जो इधर साइड मोटा पड़ रहा है ना इससे कसूंगी मैं इसको। तो चलिए मैं कसती हूँ, तो मैं बैठ कर नहीं कसूंगी, मैं खड़े खड़े ही ये ऐसे ही कसूंगी, मैं इधर मैंने कपड़ा बिछा दिया और ये कर लिया, तो मैं फटाफट से इसको कस लेती हूँ, और कस भी जाएगा फटाफट से, जितनी बच्ची आएंगी ना उतनी ये मेरी कस जाएगी। सारी गाजर कस ली मैंने, आपको दिखाई थी ना, तो सारी गाजर मैंने कस ली है, इसको मैं ना कुकर में डाल दूंगी। हाँ ये गाजर मैं इसको कुकर में डाल दूंगी, लग रही थी सारी गाजर जो मैंने इसको धो दिया अंदर से, इसमें पानी डाल दिया, वैसे तो अंदर से धोता नहीं, तो मैंने इसको ऐसे पानी डाल दिया, और इसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल दूंगी जिससे ये थोड़ी सी गल जाएगी। वैसे गाजर का पानी छोड़ के, लेकिन इसमें 1 ग्लास पानी फिर भी डाल रहा है जिससे थोड़ी सी गाजर कर गल जाएगी, और कुछ नहीं। और बस मैं इसको एक सीटी लाने के लिए इसे गैस पे चढ़ाऊंगी, एक सीटी आएगी इतना ही चढ़ाऊंगी मैं इसका, तो इसमें एक सीटी आ जाती है, तो बस मैं आगे काम करती हूँ। ये देखो ये नॉट लेके डोल रहा है पैसे का, और कह रहा है कि ना कर कैंटीन वाले से ताजे ताजे नॉट लेके आए। और ये मुस्कान की ड्रेस देखो जो मैंने सिलवाई थी ना, मैं कह रही थी मैंने सिलवाई है, दिखाती हूँ एक बार अच्छे से कर देती। हाँ देखो ये देखो पूरे आलू, आज स्कूल में ऐसे ही बन के गई थी, तो देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। और देखो ये इनका काम है सारे दिन लड़ने का, देखो ये स्कर्ट है इसकी ये, और ये ऊपर से टॉप है इस तरह से, और ये इसने टियारा लगा रखा है,
आज ऐसे ही बन के गई थी स्कूल में, हंसी आ रही है इसको। इस तरह अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलो मैं आगे अब काम करती हूँ, अभी अभी, अभी स्कूल से आए हैं बस, अब मस्ती मार रहे हैं। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप जी डालिए, और गेमर जोन में टेक्निकल पंडित जी उसमें मेरे चैनल। तो ये गाजर तो गल गई है मेरी, बस मैंने इतना वाला एक सीटी भी पूरी नहीं लगाई, इतनी उबाले देखिए ये हो गई है। और मैं इस पे ये चढ़ा दूंगी गैस, और मैं इसको निकाल लूंगी। ये मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है ये, और इसमें मैंने सिम गैस कर रखी है मैंने इसकी, और एक साइड दूध गर्म हो रहा है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसको निकाल लिया इसमें, अब जितनी गाजर है उसी हिसाब से मैं इसमें दूध मिला दूंगी। मेरे पास फिलहाल ये मतलब डेढ़ किलो गाजर है, तो उसी हिसाब से दूध है ये, तो मैं इसमें मिला लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें से रख लेती हूँ। और मैं अभी इसमें एक पैकेट दूध ला के और मिलाऊंगी, अभी मैं लेने जा रही हूँ दूध। ये मेरा सुबह गाय को भैंस का दूध आता है ना, वो उधर क्या देख ही जाते हैं भैया भैंस वाले, तो उनका आया, तो मैं इसमें अभी एक से डेढ़ पैकेट दूध और मिलाऊंगी मैं इसमें। एक किलो दूध तो इसमें पहले डाल दिया था जो मेरा रखा हुआ था, इसमें मैं और डाल रही हूँ एक किलो की समथिंग और है ये दूध, ये डाल रही हूँ मैं। मतलब मैंने 1.5 किलो गाजर में 2 किलो दूध लिया था, मैं कह रही थी मैंने 1 किलो रखा था, फिर मैं और दूध लेके आई थी उसको डाल दिया मैंने इसमें। अब ये मेरा बनता रहेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आराम से ये बन जाएगा। और मैं और काम करती रहूंगी, उधर मेरी ग्रीन सब्जियां रखी है मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा। हाँ आपको ये ग्रीन सब्जियां रखी है ना, इनको मैं साफ कर लेती हूँ फिर मैं आगे का काम करती हूँ। और ये मेरा इतने हलवा बन जाए के तैयार हो जाएगा, तो मैं इसको काम कर लेती हूँ। चलिए दिखाओ, ये देखिए मैं बीच बीच में इसको चलाती जा रही हूँ और ये बनता ही जा रहा है, मैं इसको बीच बीच में चलाती जा रही हूँ और इसको चारों तरफ से इसको हटाती भी चली जा रही हूँ जैसे जैसे आ रहा है। और इधर मैंने सारी सब्जियां ना काट के, मतलब पालक है, मेथी, बथुआ वगैरह सब इसमें काट लिया, धो के काट के मैंने इसमें धो के डाल दिया। ये सरसों है इसको डाल दूंगी, और थोड़ी सी मैंने रख ली थी क्योंकि कुकर ये छोटा है ना, इतना ही आएगा, इसमें ज्यादा नहीं आएगी, फिर इसको मैं दबा दबा के ऐसे ही भर रही हूँ तो और ज्यादा आएगी नहीं, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। चलिए ये कुकर ऐसे ही भर गया, आएगी भी नहीं मैं इसमें करती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैंने उबालने के लिए धर दिए हैं सारे कुकर, और कुकर में गैस पे धर दिया, उधर मेरा हलवा बन ही रहा है। तो अब मैं इस गैस को बदल दूंगी, बड़ी वाली गैस इधर, बड़ी वाली गैस पे तो हलवा रख दूंगी, छोटी पे ये रख दूंगी, जैसे ये जल्दी से जल्दी बन जाए ये, क्योंकि छोटी गैस पे फिर टाइम लगेगा। तो चलिए चेंज करती हूँ। आप लोग कहो कैसे फैला रखा है, ये सामान ही रखा है मेरा, फैला नहीं रखा मैंने, ये अभी सामान रखा है बस मेरा, तो नहीं आ रहा। हाँ देखिए, अभी रखिए, देखिए ये बनी आया है, सूख गया इसका सारा दूध, देखिए बिल्कुल सूख गया। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच देसी घी डाल दूंगी, और इधर ये भी उबल गई है मेरी, साग उबाल रखा था मैंने, जो सरसों पालक मेथी वगैरह सारी चीज उबाली थी वो सब, ये भी उबल गया है। और ये इसमें मैं घी मिला दूंगी, धीरे धीरे ये बन जाएगा, धीरे धीरे ये बनता रहेगा, मैं इसको बीच बीच में अब चलाती रहूंगी बस, और कुछ नहीं है, थोड़े देर में और फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। अभी थोड़ी देर थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ, कम लग रहा था मुझे। हाँ बस अब सही है इसमें, अब ज्यादा नहीं डालूंगी, ये तो ज्यादा, बस इतना ही डालूंगी मैं इसमें। इससे पता घी से एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इधर अभी कुकर मेरा सीटी को निकाल रहा है, धीरे धीरे सीटी निकल जाएगी इधर भी,
कुकर में से, और इसमें मैं चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीनी डालूंगी, जितनी मुझे खानी है ना हमें उस हिसाब से मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो मैंने तो इतना अच्छा खाना बनाया और अब ये आ गई हमारे लिए गर्मा गर्म टिक्की, पर मैं नहीं खा पाऊंगी क्योंकि मेरा तो बर्थ है। तो ये आई है मुस्कान के लिए, तो वो देख कंबल में घुसी पड़ी है, उसे ठंड लग रही है। तो मैं इनको टिक्की दे देती हूँ, मुस्कान को टिक्की दे देती हूँ, बैठी है, पर मैं तो खा नहीं पाऊंगी, क्या फायदा रहा लाने का, कोई फायदा तो नहीं रहा। चलो कोई नहीं, कभी कभी चलता है, सब चलता है। लो मैंने तो इतना अच्छा खाना बनाया, कोई फायदा नहीं रहा, ये टिक्की आई है तो क्या करूँ, तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। तीन टिक्कियाँ लेके आए थे अभी, मैं आपको कर रही थी लेकिन कैमरा ही बंद हो गया था, पता नहीं अभी दोबारा से खोल दिया, तो कोई बात नहीं, आप लोग भी खा लीजिए टिक्की है, इसमें पनीर है, मसाला सारा ही है, तो मैं क्या क्या चुकंदर वगैरह सब चीज़ है, तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए लीजिए। तो चलो मैं मुस्कान को दे आती हूँ फिर, और यहाँ मेरा हलवा बन रहा है तो मैं मुस्कान को दे के आ, तो मैं अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल, सॉरी चीनी डालूंगी, क्या नमक का याद आ रहा है मुझे, चीनी डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी, और ये धीरे धीरे बनते रहेगा, ये अब इसका लास्ट में है ये, और कुछ नहीं है, अब ये धीरे धीरे बन जाएगा, और मैं मिला रही हूँ इसको।
ये बन चुका है, तो मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, काजू है, बादाम है, मैंने रफली रफली थोड़ा सा तोड़ के रखा, तो अच्छा लगता है ना, मुंह में भी आए कुछ अलग सा टेस्ट आता है। तो और इसमें मैं थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि किशमिश इसलिए डाल रही हूँ, मेरे बच्चों को अच्छी लगती है इसमें किशमिश, इसलिए मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। तो इसको मिलाती हूँ, तो अब ये मेरा बनके तैयार हो गया, और इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, उधर की साइड दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, उधर की साइड मेरा दूध भी गर्म हो रहा है, आप लोग कह गए बार बार क्या हिला देती है, तो ये मेरा बनके तैयार हो गया, तो ये मेरा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो मैं आपको अभी प्लेट में गार्निश करके अभी दिखाती हूँ। तो ये गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है, तो ये आप सबके लिए है, तो आप लोग भी खा लीजिए, आइए तो लीजिए, आप लोग खा लीजिए, तो आप लोग एक बार टेस्ट करके बताइए, शायद काश मैं आप लोगों को सच्चे में खिला सकती, अब मैं वीडियो में से आपसे कह रही हूँ, आप लोग भी आके खा लीजिए, लीजिए। चलिए ये मेरे तैयार हो चुका है, आगे काम करते हैं, चलिए। तो बस मैं इसमें ना चार टमाटर ले रही हूँ, मैं इनको काटूंगी, और ये ये है अदरक, तो मैं इसमें कर दूंगी, साथ ही साथ ये पिस जाएगी, नहीं तो मुँह में आती है, अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसमें पिस जाएगी, और दो मिर्च मैंने इसमें डाल दी, वो भी पीस दूंगी, और ये टमाटर को तो मैं थोड़ा काट के ही यूज करूंगी, तो चलिए मैं करती हूँ इसको, तो मैं इसी में इसको पीस लेती हूँ। ये साग सौंपने के लिए आ गई थी, ग्रीन हरा साग सौंपने के लिए आ गई थी, और इधर मैंने ना आप लोगों से कोई शेयर नहीं करा, इधर मैंने पनीर की सब्जी भी बनाई है, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए। तो अभी इधर तेल गरम, घी गरम हो रहा है, मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाला है, तो मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, हींग के बाद, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मैं लहसुन प्याज तो डालूंगी नहीं, इसमें टमाटर डालूंगी, तो बस इसका मसाला थोड़ा सा ना मैं गोटा रखूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गोटा मोटा अच्छा लगता है इसलिए, और इसमें मैं बस 3 मसाले डालूँगी, हल्दी डालूँगी, मिर्ची डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने 2 मिर्च डाल रखे तीखी है वो भी कम डालूँगी इसमें, और धनिया पाउडर और नमक मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है, और मसाले को मैं भून लूँगी। कई चीज आप इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं, क्योंकि हम नहीं खाते इसलिए नहीं डालती हूँ, नहीं तो आप लोग डाल सकते हैं इसमें लहसुन प्याज और टमाटर, देखो बनने पे आ गए, और ये मसाला जितना ज़्यादा सीखेगा उतना अच्छा ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो मैं इसको मसाले को सेक रही हूँ, मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, मैं चलाती रहती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे अच्छे से ये मिल जाए और अच्छे से बन जाए। तो सब मैं इसमें सब्जी डाल दूँगी जो मैंने पीस रखी थी ना, वो उसमें डाल दूँगी। ये देखिए सब्जी मेरी, तो इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, इसमें सब पर में है चार तरफ लगी हुई है सब्जी, तो इसमें मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, जितना भी चाहिए उतना डाल देती हूँ मैं इसमें पानी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डाला है, आधा सा गिलास ही पानी डाला है मैंने इसमें, और थोड़ी देर में ये बन जाएगी। तो बताना किस किसके मुँह में पानी आया है मेरा गाजर का हलवा और इसे देख कर, तो आप लोग भी बनाना है और बताना किस किसका मन करा बनाने के लिए। तो ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो जाती है अभी बस, और इसमें मैं ना हरा धनिया और डाल देती हूँ साथ की साथ ही, जैसे थोड़ा पक जाएगा, क्योंकि इन्हें ना एकदम, तो इस सब्जी में ना थोड़ा ऊपर से धनिया पसंद नहीं है, तो इसलिए इसमें पहले बनाते टाइम डाल रही हूँ, ये इसमें थोड़ा पक जाएगा तो अच्छी एक खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप लोग भी एक बार इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो जाती है अभी बस, 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी ये सब्जी। तो चलिए मैं आगे आटा वगैरह लगा लेती हूँ बस। तो एवरीवन ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है बिल्कुल, देख रेडी हो गई है ये सब्जी, बिल्कुल यम्मी यम्मी सब्जी, तो आप लोग भी आइए और खाइए मेरे खाने का, आज आप लोग भी इंजॉय करिए। तो बस मेरा काम हो गया है, और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिए हैं, सारे बर्तन कर दिया, आटा लगा दिया, अब ये आएंगे तो मैं रोटी सेकूंगी, भाई आएगा, मेरा भाई आएगा और ये आएंगे, दिल्ली गए हुए हैं ये,
आएंगे 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक आएंगे है ना। तो मैंने खाना रेडी करके रख दिया, तो अब मैं इसको कढ़ाई में ही रखूंगी, बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि जब आएंगे जब इसी में ही मैं गर्म कर दूंगी, क्योंकि अब करूंगी फिर दोबारा करूंगी, इसलिए मैं इसको इसी में ही रखती हूँ। तो चलिए अब मैं आप यहीं पर इसको बंद करती हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है किचन का फिलहाल। तो सब्जी बन गई है, दोनों सब्जी बन गई, आटा लग गया, गाजर का हलवा बन गया, तो और बस बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए थे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट भी दीजिए यार। आप लोग देनी, इतनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा तो आप लोग सोच लीजिए। तो आप लोग लाइक करोगे तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है और कोई पैसे वगैरह तो लग नहीं रहे। तो प्लीज़ ना ही सब्सक्राइब करने में पैसे लग रहे हैं, ना ही लाइक करने में पैसे लग रहे हैं, ना ही कमेंट देने में पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और बस, और आज मेरा काम क्या क्या हुआ, आज मैंने गाजर का मैं खड़े खड़े ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी कमर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मैं इस वीडियो को आगे और कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं यहीं पे बैठी हूँ, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं कर सकती इसको कंटिन्यू। तो आगे कम बैक में इतना ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत खड़े 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 खड़े। तो बस आज मैंने क्या काम करा, आज बस एक गाजर का हलवा बनाया, थोड़ी देर छत पे बैठ के गाजर का हलवा बनाया और मुस्कान की ड्रेस दिखाई। तो आप लोग बताना कैसी है वो ड्रेस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग बताना, क्योंकि मैंने सिलवाई है ये ड्रेस, रेडीमेड नहीं खरीदी मैंने, सिलवाई है, इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ एक बार ज़रूर आप लोग इस ड्रेस के बारे में बताना। और बस मैं अब इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। मैंने अब साग वगैरह सब बन गया और सब्जी भी बन गई है, सब बन गया है। तो बस अब मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अब मैं इसको आपको बाय कहती हूँ, यहीं पर ही है। तो अब मैं आपको यहीं पर ही बाय कहती हूँ, अब ये बच्चे पढ़ने बैठेंगे, तो अब मैं आपको यहीं पर बाय कहती हूँ, बाय।